सर सबसे पहले आपको विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर, हिंदी को आप भारत देश में किस रूप में देखते हैं? सर इसमें चूंकि हम भी भारत देश के एक नागरिक हैं जी, तो हम चाहेंगे कि इसको सम्मान के रूप में देखें और सम्मान दें और सब लोगों से अपेक्षा करेंगे कि इसको सम्मान के रूप में देखें। सर एक उदाहरण के रूप में हम समझा सकते हैं, आप एक बात बताइए, मामा को, चाचा को, काका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। अंकल बोलते हैं। आप जरा सोचिए किसी एक पार्टी में ये सब लोग उपस्थित हैं और अगर हम बुलाते हैं, हमको मौसा को बुलाना हो, तो अगर हम अंकल बोलते हैं सब एक साथ नहीं देखने लगेंगे? बिल्कुल। तो ये जो हिंदी शब्द है ना, ये भावनाओं से, रिश्तों से, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है जी। अंग्रेजी इसका वहां तक मुकाबला नहीं कर सकता है। हम ऐसा नहीं करें कि हम अंग्रेजी की बुराई कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा एक और बात बताइए, हमारे पास से जो पैर है, इस पैर को हमको लगता है इंग्लिश में तो शायद एक ही वर्ड है, लेग कहते हैं, लेग बोलते हैं उसको। अब बताइए लेग एक भाषा इंग्लिश में एक ही शब्द है, लेकिन हिंदी में संदर्भ के आधार पर इसका अलग अलग इस्तेमाल होता है जी। जैसे आप गुरुजी हैं, शिक्षक हैं जी, अगर कोई स्टूडेंट आपका पैर छूता है तो उसको बोलते हैं चरण छूना। चरण छूना हाँ कहते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति अपना आगे की तरफ बढ़ रहा है तो बोलते हैं कदम बढ़ा रहा है, कदम बढ़ा रहा है, ठीक है। अगर कोई नर्तकी है, पैर में घुंघरू पहन रही, तो बोलते हैं पग में घुंघरू पहन रही है जी। अगर हम बोलते हैं कि भाई मेरा पिता हमको सजा दे रहा है, तो हमको लात मारता है, गदहा दुलत्ती मारती है। हर जगह पर इस पैर का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भ में अलग अलग शब्दों से किया जाता है जी। जी तो बताइए ये हमारे संस्कृति से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा, हमारे भावनाओं से जुड़ा है, हमारे रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ है। तो हम आज के डेट में हिंदी को धीरे धीरे कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, लेकिन इसको भूलने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ फैलाना है, जागरूकता फैलाना है, हिंदी को बहुत ही सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ाना है। तो आप सभी को, जो जो दर्शक लोग देख रहे हैं, आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ओर से हम दोनों सर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।